हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो आज है 16 मई 2023 और दिन है आज ट्यूसडे का। अभी हम हैं हीना के घर पर और सुबह के बज रहे हैं 11। तो गाइस बस अब निकलते हैं। आज धूप देखो बहुत बहुत भयंकर धूप, एकदम चटक धूप हो रही है। तो अभी हम निकल रहे हैं डॉक्टर के वहाँ क्योंकि हीना का अपॉइंटमेंट है 11:30 बजे का। तो जी अभी हम पहुंच चुके हैं डॉक्टर वैश के वहां पर। क्या सोच रहे हो क्या सोच रहे हो? गाइस 12:30 बज चुके हैं और अभी तक नंबर नहीं आ पाया है। तो फाइनली 2:30 बज चुके हैं। बताओ 11:30 बजे के हम आए हुए हैं और काफ़ी लेट हो गए और भूख भी बहुत तेज़ लग रही है। तो अब चलते हैं यहाँ से, कुछ खाते हैं। तो अभी हम पहुँचे हैं क्लॉक टावर के पास और अब यहाँ से जाएंगे हम कुछ खाने के लिए बाहर ही, क्योंकि आज लंच हमें बाहर ही करना पड़ेगा। मैं ना 11:30 बजे से मम्मी के फ़ोन पर कॉल कर रहा हूँ और मम्मी ना कॉल नहीं उठा रही हैं तब से। अब 3 बजने वाले हैं लगभग, क्योंकि उनके स्पीकर में ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, शायद आवाज़ नहीं आ रही है। हम सोच रहे थे कि घर पे कॉल करके बता देंगे कि हम लोग डॉक्टर के वहाँ से आ जाएंगे तो मम्मी लंच बनाएंगी तो कुछ ना कुछ वो हमारे लिए भी बना देंगी। और पर यहाँ पे इतना लेट हो गया, ऊपर से मम्मी कॉल नहीं उठा रही हैं। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि घर पर पता नहीं कुछ बना होगा कि नहीं होगा, तो बाहर ही कुछ खा लेते हैं अब। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि चेतन वाले के यहाँ चलते हैं, वहाँ पूरी सब्ज़ी खाते हैं। इतनी तेज़ गर्मी है और सूरज इतनी तेज़ चमक रहा है कि देखो मंडी आ चुके हैं हम और बिल्कुल एकदम खाली सा पड़ा है यहाँ पर। तो गाइस हम पहुँच गए हैं अभी हनुमान चौक, हनुमान मंदिर के पास। यहाँ पर ना पार्किंग ढूंढनी पड़ती है क्योंकि पार्किंग का स्पेस कम है थोड़ा। तो हम पहुँच गए हैं चेतनपुरी वालों के यहाँ पर। नमस्कार भैया। आहा, गुड इनफ। आहा, गाइस आ चुकी है हमारी गर्मा गर्म थाली। वाओ, ये हमारे भाऊजी बड़े पुराने हैं यहाँ पर। मिक्स कर दूँ? यहाँ का ना कद्दू बड़ा टेस्टी होता है, कद्दू बड़ा टेस्टी लगता है मुझे यहाँ का। तो गाइस ये जो थाली होती है, मैं आपको बताता हूँ कि 100 रुपए की 4 पूरियाँ होती हैं, जिसमें एक थाली होती है, 4 पूरी होती है, थोड़ा सलाद होता है, इसके साथ जो चटनी होती है ना प्याज के साथ बहुत टेस्टी होती है, छोले होते हैं और भरता होता है आलू का, और जो है कद्दू होता है, कद्दू बहुत यम्मी होता है, मतलब बहुत ही टेस्टी होता है कद्दू, और एक होता है इसके साथ ये आलू का। यार ये क्या है, ये इसको क्या बोलते हैं, भुरता? और ये क्या है फिर? खिंचवानी, उसको बोलते हैं खिंचवानी। और ये होता है आलू का भरता और साथ में आती है फिर ये रायता, बहुत ही टेस्टी रायता अलग से होता है, 25 रुपीज़ का। धन्यवाद। इसके बाद हमने मंगाया है स्वीट में गुलाब जामुन, इनका गुलाब जामुन बहुत ही ऑथेंटिक होता है। बैठ गए हो? फाइनली गाइस लंच हो चुका है, चेतन जी की पूरी खा के मज़ा आ गया है। अगर आप लोगों ने कभी ट्राई नहीं किया है तो एक बार तो ट्राई करके ज़रूर देखें।
आई होप कि आप बार बार आएंगे यहाँ पर खाने के लिए। तो गाइस फाइनली बैक टू होम, और अब ज़रा सा आराम करता हूँ और फिर चलते हैं शॉप। शाम से व्लॉगिंग नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ, अभी भी थोड़ा काम है, तो मैं सोच रहा हूँ कि लैपटॉप पर जो काम है थोड़ा सा वो निपटा लेता हूँ। बेटा हट जाओ, काम करने दो यार, प्लीज़ प्लीज़ हट जाओ ज़रा। तो फाइनली गाइस हम शॉप से वापसी आ चुके थे और अभी खाना वाना खाने के बाद आए हैं थोड़ा क्लॉक टावर पर आइसक्रीम खाने के लिए। अभी हीना लोग और मोहम्मद उधर बैठे हुए हैं, तो भैया से ले रहे हैं अभी आइसक्रीम मैंगो वाली, मदर डेरी की, बहुत ही टेस्टी होती है। भैया ने दी है भाई एकदम आम। अभी क्लॉक टावर बजने वाला है और मोहम्मद उसकी आवाज़ सुनने के लिए बहुत बेताब हो रहे हैं। आज हम क्लॉक टावर की बैक साइड में हैं, मतलब यहाँ से पेड़ आ रहा है आगे और क्लॉक टावर ठीक से दिख नहीं पा रहा है। तो आप अभी मोहम्मद के एक्सप्रेशंस देख लीजिए और हीना की आइसक्रीम भी। बेटा क्लॉक टावर बच गया। ओके गाइस, आज का व्लॉग यहीं तक, मिलते हैं अगले व्लॉग में अगले डेस्टिनेशन पर। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, बाय बाय।